तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं बाग में आया हुआ हूँ और यहाँ पे जो है अनार अनार भी लगा हुआ है। और एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, आम्रपाली जो है, आम जो है बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे आम्रपाली। अभी तो फिलहाल ये अनार है, अभी पके नहीं है, ये छोटा पेड़ है। और आम्रपाली देख सकते हैं, ये आम्रपाली आम इसको बोलते हैं। और महक भी रहा ये आम इसका। नीचे देख सकते हैं ये सूरन है, क्या पता आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कि ये आम्रपाली आम है। देखिए इसको आम्रपाली बोलते हैं, आम्रपाली दुबे वाला आम मत समझिएगा, आम्रपाली। इतना छोटा छोटा एकदम बिल्कुल ज़मीन के साइड देख सकते हैं, ये मैं पेड़ के सामने और ठीक मेरे ऊपर यहाँ पे है। और छोटा ही पेड़ है, ज़्यादा बिल्कुल बड़ा नहीं है, मैं बैठ के भी देख सकते हैं यहाँ पे, तोड़ सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आम्रपाली जो है इसी को बोलते हैं, आम्रपाली आम जो है काफ़ी फेमस है जो है ये। तो ये है आम्रपाली। और अनार भी आपको दिखा दिया हूँ, ये अनार का पेड़ है यहाँ पे जो देख सकते हैं, अभी भरा हुआ है अनार। और नीचे भी यहाँ पे लगा हुआ है बहुत सारा। तो दोस्तों आज मेरा जो है पेड़, आम के पेड़ पे जो है लास्ट आम था जो भी, और आज जो है हम लोग पूरा आम जो है तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये मेरा खेती है और ये पूरा अभी बैठ गया है धान जो है इसमें। तो अब आम जो है बचा के कोई फ़ायदा नहीं। अभी देखो घर के सब लड़के लोग जो है तोड़ रहे हैं आम। कितना टूटा सब, हाँ यहाँ पर नीचे गिराए हुए, इसको पकाना है दरअसल, अभी और पका हुआ है और पकाना है। देखो रुक, एक एक काम करके, अरे मैं कैमरा देखने लगा। हाँ देखो हाथ में आ गया एक लोका, और एक यहाँ मिट्टी में गिर गया है, इसको भी निकालना है। इतना ये है, ये वाले पेड़ में अभी तोड़ रहे हैं मेरे भांजे लोग। फेको आम मिला, और ये वाले पेड़ का आम आपको दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे क्या आम, देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा आम, बाप रे पूरे हाथ में जो है आ जा रहा है ये एक, ये चार आम समझ लो रखेंगे तो चार आम एक केजी का हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा आम है। और देख सकते ये पूरा बाल्टी जो है भर गया है आम से, लास्ट है। और अभी भी इसमें कहीं कहीं मतलब छोड़ के रखा हूँ दो चार आम ऐसे ही खाने के लिए, बाकी आज पूरा आम जो है तोड़ के पका के खेती हो गया है बैठ के, और पूरा तोड़ के पका के जो आज खाएंगे। तो लेके चलते हैं अब इसको। बड़े बड़े ये आम है कि पूरा मतलब पांच आम पूरे एक केजी से ऊपर का हो जाएगा, एक आम कम से कम मान के चलो कि 200 से 250 ग्राम का एक आम होगा जो है। देख सकते हैं दो आम मेरे हाथ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा बड़ा जो है। तो और नज़दीक आ जाओ थोड़ा, सारा जो है आम तोड़ लिए हैं और अब बाल्टी लेके चलना, बाल्टी लेके चलो ऐसे हल्लम से हल्लम पूरा हो गया ये पूरा। बाल्टी उठा लिया सीधा कर मोबाइल, बाल्टी पूरा उठा लिया और अभी लेके चलेंगे जो है। ए नीचे मत गिरा, ऐसे ही सब खराब हो जाएगा आम। चलो तो पूरा इसमें का एक पका हुआ आम में डालकर रुक जाओ वहीं पे दिखाओ। ये देखो ये आम थोड़ा पका हुआ, इसको मैं खा के दिखाता हूँ, अभी जस्ट तोड़ा हूँ और इसको सीधा आ रहा ना। देख सकते ये डाल का आम पका हुआ, मतलब ये पकाया हुआ नहीं है, डाल का पका हुआ है। मीठा पूरा। अपने पेड़ का आम खाने में कितना मतलब खुशी होता है कि चलो अपने पेड़ का आम जो है तोड़ के खा रहे हो। अभी ये सब सारे आम जो है इसको लेके जाएंगे पकाएंगे। अभी मैं ऐसे ही हूँ, खेती हुआ उसके बाद में मैं सोचा जितना आम बचा हुआ अब तोड़ लेते हैं, और अब कोई भाई बोलेगा तो उसको
आम की पार्टी नहीं दे पाएंगे, तो अब लेके चलता हूँ इसको सब। चलो आ जाओ। अरे ना जाओ, करके रखना चाहिए। हम ले लाला, बाबू पढ़ रहा है, देखो क्या क्या लिख रहा है, अभी ध्यान से लिख रहा है। और ये जो है आम लेके आया है, अब पकेगा तो बाबू खाएगा। खाओगे? सुग्गा खाए पूरा। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि मैंने जो आम तोड़ा था आपको दिखाया था, अभी मैं हूँ अपने नल पे। और ये देख सकते हैं, ये आम पकाने का पानी है, ये मैंने 20 रुपये का लिया हुआ है, और ये 20 रुपये का है। और अब इसको जो है यहाँ सादे बाल्टी में डाल के पानी में, अभी देख सकते हैं इसमें पानी ज़रा भी नहीं है, थोड़ा सा है, इसको पलटी कर दे रहा हूँ। और मतलब कि मैं 20 रुपये का पानी लेके, अभी देख सकते हैं बाल्टी खाली है, मैं 20 रुपये का पानी लेके आया हूँ, लेकिन 10 रुपये का लेके आता तो भी हो जाता था, क्योंकि ये आम पकाने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया मतलब सिस्टम है, कि एकदम सादे पानी में जो है 1 लीटर भी नहीं लगेगा, 1 लीटर पानी में डाल के जो है इसको पका देंगे और बढ़िया से जो पक जाएगा। तो अभी इसको खोल के मैं जो है घोल बना रहा हूँ, उससे पहले मैं प्लास्टिक के मग में जो है माप। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं जो है एक प्लास्टिक का मग लिया हूँ, और ये करीब इतना बड़ा है, मतलब कि 2 लीटर, मतलब 2 लीटर या 1 लीटर के करीब होगा, लेकिन मैं 1 लीटर या 1.5 लीटर भी अगर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे कम ही लिया हूँ। मतलब देख सकते हैं मग पूरा भरा नहीं है, और ये बाल्टी खाली है, और इसमें ये पानी पूरा एकदम जो है डाल दे रहा हूँ, देख सकते हैं बस पूरा डाल दिया। अब इसमें जो है ये पानी का जो है घोल जो है बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो करने वाला कोई है नहीं, मैं ही वीडियो बना रहा हूँ और मैं ही ये कर रहा हूँ, तो इसको भी घोल जो है खोलता हूँ और डाल। तो अभी मैंने खोल लिया है इसको, और देख सकते हैं यहाँ पे इसमें है जो है ये 20 रुपये का पानी है, और मैंने मग से जो डाला हुआ, देख सकते हैं आप इसमें कितना पानी है। अब इसमें सारा इसमें जो है ये डाल दूँगा, इसमें देख सकते हैं कलर आ गया, और इसमें हाथ नहीं डालूँगा, ऐसे ही करके। पहले क्या कार्बाइड से पकाते थे, लेकिन अभी कार्बाइड से जो है नहीं पक रहा, अभी इसी तरह से जो है आम पकाते हैं, और बहुत ही अच्छा मतलब आम पकता है। आप बोलते हो 20 रुपये के आम में कम से कम 50 किलो आम मतलब पका सकते हैं, और बहुत ही इजी और आसान तरीके से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। तो पहले था कि कार्बाइड से पकाते थे आम, तो उसमें क्या होता था, कार्बाइड मिलना मुश्किल होता था, और कार्बाइड बहुत महंगा मिलता है, बोले तो 20 रुपये का भी लेंगे तो कम से कम वो 2-4-10 किलो में ही ख़त्म हो जाएगा। तो कार्बाइड से बढ़िया, और उससे जल्दी पक भी जाता है, और बढ़िया से मतलब कार्बाइड से अच्छा इसमें वो भी आ जाता है, पीलापन भी आ जाता है। तो ये मैंने घोल लिया है, और देख सकते हैं इतना घोल बना हुआ है ये, और इसको हाथ से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक में लगा हुआ था, इसके वजह से जो है मैं ये कर दिया। तो अब इसमें मिला दिया हूँ, और इसमें अब कुछ करना नहीं है, आम को सिंपल सा इसमें डाल के सिर्फ निकाल लेना है बस, देख सकते हाथ में थोड़ा थोड़ा कलर आया हुआ है बस, और इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कोई करने वाला नहीं है, इस वजह से मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ और खुद ही जो है शूट कर रहा हूँ। तो अब इसमें जो है आम पूरे डाल के जो है निकालूँगा। तो यहाँ पे मैंने आम को पहले एक बार जो है धोया है इसको भी, और इसको भी, क्योंकि आम तोड़ने के समय जो है जब तोड़ते हैं तो इसमें से देख सकते हैं ये इसके ऊपर जो है थोड़ा इसका जो पानी लगता है ना, तो उससे थोड़ा चिपचिपापन हो जाता है। तो इसको मैंने सादे पानी में धोया हुआ है, और वो आलू रखा हुआ है, पहले का रखा हुआ है सिर्फ गोनी पे रखने के लिए कि पानी सूख जाए, इसलिए रखा हुआ, नहीं तो बाद में आप लोग बोलेंगे कि आलू भी उसी में जो है पकाया है। तो आलू नहीं पकाने वाला हूँ मैं, आलू नहीं डालने वाला। ये देख सकते ये आम है, और इधर है और उधर है, कम से कम इतना आम होएगा, करीब 20 केजी से ऊपर ही होगा इतना आम। तो यहाँ पे पानी रखा हुआ है, और मैं अभी सिंपल सा कुछ करने वाला नहीं, इसमें देख सकते हैं ये आम उठाया और ये पानी में डाला, और इसको चारों तरफ ऐसे घुमा के, कुछ करना नहीं है, बस घुमा के थोड़ा ऐसा रख देंगे, आराम से पानी जो है ये निकल जाए, और यहाँ साइड में रख दिया, फिर यहाँ पे किया, और इसको भी घुमा के पानी थोड़ा ये करके यहाँ रख दिया साइड में, देख सकते हैं मैं 2 आम डाला, और अभी 2 आम डाल रहा हूँ।
तो ऐसे कुछ करना नहीं, इसको खाली डाल डाल के जो है निकाल देना है, ताकि जो है कार्बाइड रहता था तो क्या कार्बाइड से जो है दोनों तरफ से करना रहता है, इसमें दोनों तरफ से नहीं करना है, बस इसी तरह से सारे आम को जो है मैं निकाल लूँगा। अभी देख सकते हैं चार आम हुआ है, तो मैं पूरे आम को जो है निकाल के फिर आगे मैं कहाँ पे पकाता हूँ, इसको कहाँ पे रखता हूँ वो भी दिखा रहा हूँ। तो अभी लगभग सारे आम मैं जो है कर चुका हूँ, और देख सकते हैं अभी जो है ये आम ये भी है और कुछ और दो चार आम हैं, और मैं ही जो है पूरा इसमें डुबा डुबा के कुछ करना नहीं है, सिंपल सा जैसे आपको बताया हूँ वैसे सिर्फ पानी में डालो और ये पानी थोड़ा हल्का सा झाड़ दो बस। और देख सकते हैं दो दो आम जो करके डाल रहा हूँ मैं, और किसी किसी आम पे ऐसा दाग है तो जो कटा हुआ रहेगा उसको इसके साथ में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, वो जल्दी पक जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो जो भी पकाना है एकदम सिंपल। अभी देख सकते हैं जो मैं आप लोगों को दिखाया था कि इसमें आलू भी है साथ में, तो आलू को मैं नहीं डालने वाला हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मैं आलू को भी डाल रहा हूँ, आलू को नहीं पकाना, तो खाली घर पर मैं हूँ तो इसकी वजह से सिंपल था। अब कुवैत जाने के बाद क्या पता ऐसा आम पका के खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुवैत में मैं था वहाँ पे एक आम इतना बड़ा आम जो है कम से कम एक दिनार का एक आम मिलेगा, कुवैत का एक दिनार कम से कम एक दिनार कुवैत का इंडिया का 244 रुपये होता है। तो देख सकते हैं मैं सारे आम इतने बड़े बड़े आम हैं, और कुवैत में मैं इतने बड़ा आम जो है खरीदता तो मुझे एक दिनार देना पड़ता, तो इस वजह से गाँव में हूँ घर पर हूँ और आम पका के खाने का लुत्फ उठा रहा हूँ। अभी वापस फिर कुवैत चले जाऊँगा तो पता नहीं कब मिलेगा। तो अभी मैंने इसको और इसको इसको ये सारे आम्स को मैंने जो है पानी में डाल के निकाल दिया है। अभी देखे तो थोड़ा थोड़ा पानी का इसमें चमक है, तो ये थोड़ा सूखने तक वेट करेंगे, उसके बाद इसको जो है रखेंगे ऐसी जगह पे, वो भी जगह आपको दिखाऊंगा इसको कहाँ पे रखेंगे, और इसको रखूंगा फिर दो दिन के बाद इसको ओपन करूंगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें जो है दिखा दूंगा। तो अभी दो चार दस मिनट इसको रेस्ट करने के लिए रखूंगा। वीडियो में आप लोग बने रहें, आपको पूरा प्रोसेस जो मैं है दिखाते रहूंगा, भले ही मुझे दो चार दिन लग जाएगा मतलब इसको पकाने आपको दिखाने में, लेकिन मैं वीडियो में आपको पूरा क्लियर करके दिखा दूंगा। तो सारे हम जो है अभी सूख गए हैं, और इसको अभी जो है एक एक करके यहाँ पे रख के और इसको जहाँ पे स्टोर करना है, देख सकते हैं अभी सूख गया है, इसके ऊपर पानी नहीं उतना, तो अब इसको उस जगह पे स्टोर करना है जहाँ पे रखना है, तो इसको कम से कम दो दिन मतलब ऐसे जगह पे रखना है एकदम ढक के, ताकि मतलब उसमें हवा बाहर से ज़्यादा लगे ना, जब ऐसी जगह पे रखेंगे तभी एकदम बढ़िया कलर आएगा फर्स्ट क्लास, और अच्छे से जो है ये पकेगा। तो देख सकते हैं इसमें जो है हुआ है, तो कलर जो है करेंगे और इसको जो है डालेंगे। तो अब इसको उठा के लेके चल रहा हूँ, कहाँ पे डालना है ये जो है आपको दिखाता हूँ। तो ये घर में गया, और अभी यहाँ पे अंधेरा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है डालना है इसको, गांव में इसे डेहरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये मतलब कि गांव में ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा। तो अब लास्ट बचा हुआ है, और इसको भी ये कर दिए, तो देख सकते हैं ये चारों तरफ से ये भर चुका है, और ये देखिए चारों तरफ से ये भर गया और ये खाली हो गया है, तो इसको डेहरी बोलते हैं, और ये जो है उसमें लगा हुआ है, और ये मिट्टी में थोड़ा सा बाल जो है ऐसा चूहे लोग काटते थे तो बाल लगा रहता है, ये बाल जो औरत लोग झाड़ती है वो जो है बाल थोड़ा उसमें चिपक गया है, तो ये रख दिया हूँ और अभी और लेके आता हूँ। ये यहाँ पे है, और इसको भी उठा उठा के सब इसमें रख लूँ, ये थोड़ा पका हुआ है इसके लिए इसको ऊपर रखूँगा, हल्का फुल्का ये पका हुआ है, इसको बाहर रखना, ये पका हुआ है एकदम ज़्यादा पक गया है, इसको अभी खा के चेक करता हूँ, ये डाल में ही पक गया है लगता है। हाँ ये भी उसके अंदर डालने लायक नहीं, इसको भी बाहर ही रखेंगे, अंदर डाल दो क्या ये, चलो अंदर डाल देता हूँ देखेंगे, ये लेके चलते हैं। तो ये छोटे छोटे आम हैं, ये भी डाल देता हूँ, और ये लगभग लगभग फुल हो जाएगा अभी।
इसको जो है नहीं डालूंगा क्योंकि ये जल्दी पक जाएगा, इस पे दाग लगा हुआ है। तो ये अभी फुल हो चुका है, देख सकते हैं इसका साइज कितना है। ये एक दो दो मतलब कि ये करीब 2 फुट हाइट में है और ये पूरा आम से जो है फुल हो चुका है। अब इसके ऊपर ये मिट्टी वाला ढक्कन लगाएंगे, ये ऐसे और ऐसे लगा के, और साइड साइड से ये जो होल दिख रहा है ये साइड साइड से मिट्टी लगा के इसको बराबर ये जो है बंद कर देंगे। तो इसमें क्या हवा हवा लगेगा नहीं, तो एकदम बढ़िया जो है कलर आएगा। तो बाकी अभी 2 दिन बाद इसको जो है खोलेंगे, अभी आपको दिखा सकता हूँ, वापस एक बार दिखा दे रहे, देख सकते हैं ये हरा हरा है सब, और बाद में जब इसको निकालूंगा तो एकदम बिल्कुल एकदम पीला पीला दिखाई देगा। अभी देख सकते हैं हल्का पीला दिख रहा है, मतलब पीला नहीं है पूरा, और बाद में निकालूंगा जिस दिन, तब उस दिन भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और पूरा जो है वीडियो वॉच करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की वीडियो जो है डालते रहता हूँ जानकारी वाली, ताकि आपको जो है कुछ नॉलेज मिले। तो भाई 2 दिन के बाद देख सकते हैं ये निकाला हूँ मैंने आम, और एकदम पक के जो है पीला हो गया है, और 2 दिन के बाद निकाला हूँ डायरेक्ट मैंने जो है ढेरी से निकाल दिया है, और ढेरी से जो निकाला हूँ तो सीधा देख सकते हैं पीला पीला है। तो 20 रुपये 10 रुपये का मतलब पानी लेके आप इस तरह से 50 किलो 100 किलो 20 किलो आम पकसा सकते हैं बहुत ही आराम से, और ये भी बहुत ही आसान हो गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने इस तरह से आम पकाया है, या कारपेट से पकाया है, या इस पानी से पकाया है। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।